हाय, मैं पवन भामरी संकेत मॉर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा आलू, जो बनाने में बहुत ही आसान है, जो मैं अपने बच्चों को टिफिन में दिया करती थी। आज उन्हीं की फरमाइश पे मैं ये बनाने जा रही हूँ। जीरा आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। हमने चार उबले हुए आलू, जिनको हमने दो सीटी मारकर उबाल कर छील कर काट लिया। उसके बाद हमें मसालों में चाहिए एक चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच खटाई, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा, दो टीस्पून हरा धनिया और एक हरी कटी हुई मिर्च, और फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं हम जीरा आलू बनाना। पहले हम पैन को गर्म करते हैं। पैन को गर्म करते हैं, उसमें हम दो टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा को थोड़ा हम भूनेंगे जब जीरा अच्छे से भून जाए जीरे को थोड़ा फ्राई करिएगा, बहुत काला मत करिएगा, नहीं तो ये सब्जी में कड़वापन देता है। जीरा हमारा भून चुका है, अब हम इसमें आलू डालते हैं। आलू को हम थोड़ा देर फ्राई करेंगे। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा भूनिए। अब हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच खटाई, हाफ टी स्पून गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा भूनिए। अच्छे से मिलाइए ताकि ये मसाला आलू पे अच्छे से कोट हो जाए। और इसको दो तीन मिनट अच्छे से भूनिए। देखिए आलू में सब मसाला लग रहा है धीरे धीरे। ये मेरे बच्चे स्कूल टिफिन में लेके जाते थे, कभी पूरी के साथ, कभी परांठी के साथ, और बहुत इंजॉय करते थे। क्योंकि इसमें मसाले बच्चों के हिसाब से डालिए, जब आपने खाने हैं तो आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा हरा धनिया, अब इसको थोड़ी देर आप भूनिए। देखिए हमारे आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, और इसको थोड़ी देर दो मिनट आप भूनेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्प हो जाए। धनिया देखिए आलू भून रहे हैं हमारे,
और सब मसाले आलू ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरे ये आलू कैसे लगे। इनको भूनिए, थोड़ा भूनेंगे, 2 मिनट और भूनेंगे ताकि हमारे आलू थोड़े क्रिस्प हो जाए। दो मिनट हो गए हैं और हमारे आलू अच्छे से बन चुके हैं। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम गैस बंद करते हैं और इनको सर्व करते हैं। आलू देखिए कितने अच्छे से बने हैं। अब इनको थोड़ा हरा धनिया डाल के गार्निश करते हैं। देखिए आलू कितने अच्छे बने हैं। आप इनको प्लीज एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको ये खाने में आलू कैसे लगे। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं बनने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको बनाएंगे और एक बार ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये आलू आपको कैसे लगे। ये बहुत सिंपल आलू है, आप प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा इनको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।